हेलो गाइस, स्वागत है आप सबको अल्ट्राटॉन की गेमिंग चैनल पर। गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अल्ट्राटॉन। तो फिलहाल आज का जो प्रैक्टिस मैच है वो प्रैक्टिस मैच सनहॉक मैप पर है। फिलहाल देख पा रहे हैं 80 जो प्लेयर्स हैं वो जुड़ चुके हैं, 23 टीम्स हैं। देखते हैं आज कैसे बम बम करेंगे टीम्स। और यहाँ पर प्लेन पास जो है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे टीम्स उतर चुके हैं, बहुत पूरी टीम्स उतर चुके हैं। कुछ कैंप कैंप सॉरी कुछ कंपाउंड जो है यहाँ पे खाली है, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। और कुछ टीम्स का अभी भी अपने कंपाउंड में नहीं पहुँचे हैं, ड्रॉप लोकेशन पे नहीं पहुँचे हैं। तो एक्स मैक्स की स्क्वाड वो जहाँ पे उतरे हैं वो देखते हैं। देखो टीम सॉरी, पहले यहाँ पे टीम नंबर 6 को देख रहे हैं, डार्क के टीम के बंदे हैं। टीम नंबर 6 महाराष्ट्र के टीम, इनके आसपास कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं टीम नंबर जो 24 के एक सोलो लौंडा खेल रहा था वो बिल्कुल लुढ़क चुका है। टीम नंबर 20 के बंदे यहाँ पर उनको लुढ़काए हैं। तो फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 25 के बंदे हैं, लिकर इज़ लाइव, यहाँ पे नॉक फिनिश हो चुके हैं सुइसाइड स्क्वाड की टीम के बंदे को। तो फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 1 के बंदे यहाँ पे आपस में भिड़ेंगे और टीम नंबर 25 आपस में भिड़ेंगे, उसी के साथ साथ टीम नंबर 20 भी आपस में भिड़ेंगे। टीम नंबर 1 के जो बंदे हैं वो गैंगस्टर के टीम के बंदे हैं। टीम नंबर 25 यहाँ पे फिलहाल कैमरे के बिल्कुल नीचे है। टीम नंबर 25 ओडिशा की टीम, एक्स मैक्स की स्क्वाड। सामने टीम नंबर 20 के बंदे हैं वो फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे C2 के टीम के साइड चलते हैं, C2H के टीम के साइड। तो फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 17 के जो बंदे हैं, दो बंदे लुढ़क चुके हैं, टीम नंबर 17 के और दो बंदे बाकी हैं। तो फिलहाल टीम नंबर 3 के जो बंदे हैं फिलहाल यहाँ इस साइड, यहाँ पे थोड़ा सा रेंडरिंग इशूज़ हुआ है। कैंप ब्राभो के साइड ये फाइट चल रहा है। टीम नंबर 17 के जो बंदे हैं वो सुइसाइड स्क्वाड के टीम के बंदे, बट सुइसाइड स्क्वाड के टीम के ऐसे बंदे मर जाएंगे मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। टीम नंबर 17 के जो बंदे हैं वो फिलहाल यहाँ पे दो बंदे सर्वाइव कर रहे हैं चीरो किल के। टीम नंबर 2 के जो बंदे हैं तीन बंदे सर्वाइव कर रहे हैं, C2H की टीम के बंदे, बंगाल की टीम के बंदे हैं, तीन बंदे अभी भी अलाइव हैं, बिल्कुल प्रॉब्लम लोगों के साइड फेस नहीं किया जा रहा है। C2H के टीम के एक बंदा यहाँ पे ऋषि जो है वो डाउन हो चुके हैं, बट टीम नंबर 3 के जो बंदे हैं वो क्या यहाँ पे फिलहाल रिवाइव देंगे इसको, बिल्कुल रिवाइव नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल इस टाइम यहाँ पे रिवाइव देना ज़रूरी है, पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं रिवाइव दिया जा रहा है। शो यहाँ पे इस टाइम अभी इनको रिवाइव दिया जा रहा है। तो फिलहाल टीम नंबर 3 के जो बंदे हैं वो फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक बंदा TPP लेते हुए, एक बंदा रिवाइव देते हुए। टीम नंबर 17 के जो बंदे हैं दो बंदे ही TPP लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 17 के बंदे सुइसाइड स्क्वाड के टीम के बंदे हैं, असम के टीम, और टीम नंबर 3 के जो बंदे हैं वो बंगाल के टीम के बंदे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे फाइको को दिखाई दे रहे हैं, फ्लाइको, ओके जो भी हैं फ्लाइको को दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल उनके साइड ही बंदे हैं टीम नंबर 17 के बंदे, एक बंदा ब्रोकन वॉल के पीछे है, एक बंदा एक कंक्रीट थाम के पीछे है। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। टीम नंबर 17 के बंदे बिल्कुल ठान लेके बैठे हैं, जो टीम के प्लेयर इनको दोनों बंदे को रुकाए थे उनको यहाँ पे फिनिश करेंगे। फ्लाई को C2H के फ्लाई को यहाँ पे डाउन है सईद के द्वारा। तो फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 3 के जो बंदे हैं ठाकुर जो हैं यहाँ पे सरप्राइजिंगली यहाँ पे टीम नंबर 17 के बंदे को फिनिश किए हैं। तो फिलहाल नॉक किए थे, फिनिश कर चुके हैं टीम नंबर 17 के आखिरी एक लौंडा सर्वाइव करते हुए। टीम नंबर 3 के जो बंदे हैं वो फिलहाल यहाँ पे एक बंदा डाउन हो चुके हैं, दूसरा बंदा ऋषि जो है वो सर्वाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी बहुत थोड़ा सा डैमेज खा चुके हैं। टीम नंबर 3 के बंदे फिलहाल लास्ट कैसे सर्वाइव करेंगे, 1v1 का सिचुएशन है। तो फिलहाल देखते हैं, ठाकुर जो है अभी भी नॉकडाउन पड़े हैं, अयान जो है यहाँ पे M16 लेके यहाँ पे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल क्या यहाँ पे इस टाइम पे टीम नंबर
थ्री के जो बंदे हैं ठाकुर, क्या यहाँ पे रिवाइव हो जाएंगे? इस यस रिवाइव हो चुके हैं, बिल्कुल ख़राब परिस्थिति, क्योंकि वन वी वन के सिचुएशन से वन वी टू का सिचुएशन हो चुका है। बट यहाँ पे इस टाइम के जो परिवर्तन है वन वी वन से वन वी टू, क्या यहाँ पे टीम नंबर 17 को इसलिए दिक्कत हो सकते हैं वन वी टू करने में? देखते हैं। ग्रेनेड फेंका जा रहा है एन के साइड से, टीम नंबर 17 सुसाइड स्क्वाड असम की टीम के साइड से। तो फिलहाल यहाँ पे एक ग्रेनेड जो फेंका गया है बिल्कुल कनेक्ट नहीं हुआ है। टीम नंबर 3 थोड़ा सा पीछे थे ग्रेनेड के। तो फिलहाल टीम नंबर 3 के जो बंदे हैं वो फिलहाल सी टू एच की टीम के बंदे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, दो बंदे के साथ जीवित हैं। टीम नंबर 17 एक बंदा जस्ट लास्ट सर्वाइव कर रहे हैं, एक किल उन लोगों ने निकाल चुके हैं। तो उसे पैराडाइज के साइड चलेंगे, उससे पहले एक बार पाइनन के साइड देख रहे थे। टीम नंबर 11 के स्क्वाड के जो बंदे हैं फिलहाल वो यहाँ पे डिफ्यूज के टीम के जो बंदे हैं वो फिलहाल यहाँ पे तीन बंदे जो हैं वो डाउन हैं। लास्ट एक बंदा, दो बंदे डाउन हैं, एक बंदा बहुत ज़्यादा लो एचपी के साथ बोल सकते हैं, और यहाँ पे एक बंदा रिवाइव हो चुके हैं। बिल्कुल टीम नंबर 4 के जो बंदे हैं वो यहाँ पे पुश कर चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 4 के बंदे क्या करते हैं देखते हैं। दो बंदे यहाँ पे नॉकडाउन थे, एक बंदा यहाँ पे नॉकडाउन पड़ा है। तो फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 11 के बंदे फिलहाल यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। टीम नंबर 4 के बंदे वो सर्वाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बंदा यहाँ पे नॉकडाउन है, उनको रिवाइव किया जा रहा है। फिलहाल इस टाइम पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है पाइनन के साइड, एक बार यहाँ पे देखेंगे तो टीम नंबर 7 के बंदे यहाँ पे बिल्कुल पुश किए हैं टीम नंबर 11 के बाद। यहाँ पे फाइट होने के बाद टीम नंबर 4 के साइड यहाँ पे टीम नंबर 7 की एंट्री थोड़ा सा कहानी में नया मोड़ लग सकता है। टीम नंबर 7 के जो बंदे हैं वो लोग, अगर आप लोग देखोगे 20 FPS के टीम के बंदे हैं, वो 20 FPS के जो टीम के बंदे हैं वो महाराष्ट्र के टीम के बंदे हैं। तो फिलहाल टीम नंबर 4 के जो बंदे हैं टीम नंबर 7 के ऊपर पूछ कर सकते हैं। टीम नंबर 7 और टीम नंबर 4 की फाइट होने के बाद कौन सा टीम सर्वाइव करेगा वो वक्त ही बताएगा, वक्त क्या करेगा मुझे नहीं पता। बट यहाँ पे टीम नंबर 4 की अगर बात करें तो टीम नंबर 4 की यहाँ पे चार लौंडे सर्वाइव कर रहे हैं। टीम नंबर 7 की अगर बात करें उनका भी चार लौंडे अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे 4v4 का सिचुएशन होगा। तो टीम नंबर 10 के आसपास दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ पे फाइट लेते हुए, जो यहाँ पे टीम नंबर 2 के जो बंदे हैं वो यहाँ पे टीम नंबर 10 के एक बंदे को डाउन किए हैं। टीम नंबर 2 के जो हैं ताही जो हैं यहाँ पे फिलहाल टीम नंबर 10 के बंदे को लुड़काने की कोशिश किया, बट यहाँ पे साइको के साइड से काउंटर फायर, और यहाँ पे फिलहाल टीम नंबर 2 के दूसरे बंदे रेहन के द्वारा यहाँ पे टीम नंबर 10 के फिनिश किया गया है। फिलहाल जो बंदे जो यहाँ पर नॉकडाउन पड़े थे उनको रिवाइव दिया जाएगा। एक बंदे पहले ही लुढ़क चुके थे, चार किल निकाल चुके हैं टीम नंबर 2। टीम नंबर 7 और टीम नंबर 2 की फाइट होने के बाद यहाँ पे फिलहाल टीम नंबर 4 के जो बंदे हैं वो फिलहाल सेट, क्या ही भसड़ चल रहा है भाई, क्या ही भसड़ चल रहा है। टीम नंबर 4 की बंदे यहाँ पे एक बंदा डाउन है, दूसरी बंदा जो है यहाँ पे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं टीपीपी लेते हुए। अगर सीढ़ी से जो बंदे आएंगे उनको लुटाया जाएगा। यहाँ पे फिलहाल दो बंदे की एंट्री हो रहा था, तो फिलहाल यहाँ पे सॉरी टीम नंबर 7 के बंदे फिलहाल यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। बार बार इस दीवार के पीछे यहाँ पे कैमरा जा रहा था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा क्या ही करें, दीवार के अगर पीछे कैमरा चला जाएगा बार बार तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो टीम नंबर 7 यहाँ पे टीम नंबर 4 के बंदे को, जो बंदे हैं टीम नंबर 4 के जो बंदे थे केज के टीम के बंदे को फिनिश किया। बंगाल की टीम थे और फिलहाल महाराष्ट्र की टीम यहाँ पे फिलहाल सर्वाइव कर रहे हैं। टीम नंबर 2 फिलहाल यहाँ पे साइड में दिखाई दे रहे हैं, बट देखते हैं दूसरी टीम कहाँ पे फाइट होने वाला है। तो फिलहाल अगर यहाँ पे बोट कैंप के साइड देखें तो टीम नंबर 25 और टीम नंबर 1 की फाइट अभी भी जारी है। अगर टीम नंबर 20 की बात करें, टीम नंबर 20 के जो बंदे हैं वो R2F की टीम वो लुढ़क चुके हैं। टीम नंबर 19 R2F की सेकंड लाइन है वो भी लुढ़क चुका है। तो टीम नंबर 1 और टीम नंबर 25 के बीच में 1v4 का सिचुएसन है। रावण टक्सिक
वेनम लेजेंड अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, सामने गैंगस्टर की टीम के दो बंदे खेल रहे हैं और दो बंदे अभी भी सरवाइव कर रहे हैं जीरो किल के साथ। एक्समैक्स की टीम यहां पे एक किल कर चुके हैं, एक खाता खोल चुके हैं, टीम नंबर वन अभी भी खाता नहीं खोले हैं। तो फिलहाल इन लोगों के बीच में आराम से फाइट खेला जा रहा है। रेवल जो है बहुत ज़्यादा लो एच पी के साथ हैं, यहाँ पे लेजेंड के द्वारा तो बहुत ज़्यादा लो एच पी कर दिया गया है। फिलहाल यहाँ पे उन लोग उनकी हेलमेट वेस्ट की बात करेंगे तो हेलमेट बिल्कुल भी नहीं है, वेस्ट की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट डैमेज हो चुके हैं। हीलिंग की बात करेंगे तो हीलिंग के नाम पर यहाँ पर उनके पास एक हेल्थ किट है। तो फिलहाल यहाँ पर टीम नंबर वन के जो बंदे हैं वो यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। रेवल यहाँ पे फिलहाल अपने टीममेट को बहुत ही सावधानी बरताते हुए रिवाइव दिया दे रहे हैं। अगर खिड़की के सामने आ गए तो टीम नंबर 25 के बंदे के द्वारा यहाँ पे नॉकडाउन हो सकते थे, इसलिए खिड़की के पास आके लेट के उनके टीममेट के पास गए और फिलहाल यहाँ पे रिवाइव दे रहे हैं। ऐसे ही फाइट चलता रहेगा टीम नंबर वन और टीम नंबर 25 के बीच में। तो फिलहाल इसी टाइम हम लोग दूसरे टीम के साइड जाके एक बार देख के आते हैं। टीम नंबर 23 और टीम नंबर 8 के बीच में यहाँ पे फाइट होने का चांसेस है बोट कैंप के साइड, और यहाँ पे बोट कैंप से थोड़ा सा दूर पैराडाइज और बोट कैंप के बीच में फिलहाल सर्कल भी आप देख सकते हैं, सर्कल ऐसे बना है। तो अभी भी टोटल ओवरऑल मैप में टीम्स की पोजीशन की बात करें तो टीम 12 टीम अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, 35 बंदे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 3 के जो बंदे हैं गॉड फादर जो दिखाई दे रहे हैं वो उनके सामने यहाँ पे टीम नंबर 8 के बंदे हैं। टीम नंबर 7 के जो बंदे हैं वो फिलहाल यहाँ पे आसपास दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 7 कौन सा टीम के साथ फाइट ले रहे हैं वो देखते हैं। रेवल की टीम के सॉरी गैंगस्टर की टीम के पीछे भी आ चुके हैं टीम नंबर 7 के बंदे। तो फिलहाल यहाँ पे ट्रायंगल फाइट होगा यहाँ पे टीम नंबर 25 टीम नंबर 1। तो फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 23 फाइट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिस्टर जट के द्वारा एक्वानॉक्स यहाँ पे डाउन हो चुके हैं टीम नंबर 8 के बंदे। पीछे से टीम नंबर 8 के बंदे को फिनिश किया गया। तो फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 23 को ऐसे घुसना नहीं चाहिए था R1 स्पोर्ट्स को। फिलहाल टीम नंबर 8 के बंदे यहाँ पे उनको फिनिश कर चुके हैं। कैपिटल की टीम के बंदे कैपिटल की टीम अभी भी सर्वाइव करते हुए दिखाई दे रहे थे, फिलहाल आ चुके हैं टीम नंबर 1 के साइड और टीम नंबर 1 के जो बंदे हैं वो फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। रावण यहाँ पर टीम नंबर 7 के एक बंदे को डाउन किए हैं। तो फिलहाल टीम नंबर 25 बहुत ही एग्रेसिव नहीं खेलते हुए भी यहाँ पे बहुत सारे डैमेजेस और यहाँ पे बंदे को दिक्कत देते हुए बंदे मतलब टीम्स को दिक्कत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 25 की यहाँ पे टॉक्सिक की बात करें तो उनके पास हेलमेट लेवल 2 का हेलमेट लेवल 1 का वेस्ट और उसी के साथ साथ एक फर्स्ट एड किट एक हेल्थ किट और यहाँ पे 7 बैंडेजेस है, बट थ्रोएबल इनके पास बिल्कुल भी नहीं है, ड्रिंक्स भी कुछ भी नहीं है। रावण की बात करें तो 25 बंडे जैसे यहाँ पे उठा कर रखे हैं, बिल्कुल भी नहीं इनको हेल्थ किट मिला है। गैंगस्टर की टीम के जो बंदे हैं यहाँ पे टीम नंबर 1 टीम नंबर 17 के बंदे को यहाँ पे डाउन कर दिए हैं। टीम नंबर 1 के बंदे फिलहाल टीम नंबर 7 के बंदे के ऊपर पोस्ट कर चुके हैं तो फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 7 के जो बंदे हैं यहाँ पे टीम नंबर 7 20 FPS की टीम महाराष्ट्र की टीम वो फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 1 के साथ बैठेंगे। 3v1 का सिचुएशन रहेगा यहाँ पे। मादारा जो है हाथ में UMP-45 लेके बिल्कुल खड़े हैं, उनके आस पास पास एक ग्रेनेड पहुँच चुका है, बट मादारा बिल्कुल भी उस ग्रेनेड से बिल्कुल भी नहीं डरे। डैमेज जरूर खाए हैं बट वो सोच रहे हैं अगर ग्रेनेड से नॉक हुए भी हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम झुकेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं झुकेंगे। वेंचुत टीम नंबर 7 के जो बंदे हैं वो फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, फिलहाल टीम नंबर 1 के बंदे को दिक्कत देते हुए अपने पोजीशन पे आ चुके हैं। बट यहाँ पे टीम नंबर 1 सोच रहे हैं कि पुश तो किया जाए तो कैसे किया जा सकता है। टीम नंबर 25 बिल्कुल यहाँ पे उनके पीछे हैं टीम नंबर 1 के, वो भी सोच रहे हैं अगर टीम नंबर 25 के बंदे अभी पीछे से अगर
पुश कर दे तो यहाँ पे क्या ही होगा, क्या ही सिचुएशन होगा। तो वो सोचते हुए टीम नंबर 1 थोड़ा सा दिक्कत में पड़े हुए हैं। टीम नंबर 25 अभी फ़िलहाल अभी तक पुश नहीं किए हैं, वो सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, जोन का इंतज़ार कर रहे होंगे। बट देखते हैं क्या सिचुएशन रहता है, अभी भी क्या होता है। टीम नंबर 25 के जो बंदे हैं रावण यहाँ पे फ़िलहाल दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ पे बैरल हाथ में पकड़ के खड़े हैं। तो फिलहाल यहाँ पे रेवल और राउडी दोनों टीम नंबर 25 के ऊपर टीवी भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक मैक्स की टीम बिल्कुल यहाँ पे उनके सामने। तो टीम नंबर 25 के जो बंदे हैं उनके ऊपर यहाँ पर रेवल चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेजेंड यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। टीम नंबर 25 के जो बंदे हैं फिलहाल यहाँ पे रेवल ऊपर चढ़ गए थे, बट यहाँ पे काउंटर फायर की वजह से, यहाँ पे स्कॉवर फायर की वजह से टीम नंबर 25 के जो बंदे हैं वो यहाँ पे टीम नंबर 1 को बिल्कुल फिनिश कर चुके हैं। टीम नंबर 7 अभी फ़िलहाल टीम नंबर 25 के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट क्या इसी टाइम सही रहेगा टीम नंबर 25 यहाँ पे टीम नंबर 7 को यहाँ पे चढ़ते हुए। टीम नंबर 25 के यहाँ पे बंदे एक बंदा डाउन है, लेजेंड यहाँ पे डाउन है। सेट टीम नंबर 7 के लास्ट एक बंदा, बट यहाँ पे टीम नंबर 25 के बंदा भी यहाँ पे डाउन है। अरे बाप रे, टीम नंबर 7 के लास्ट बंदा, ये क्या किया तुमने। 20 FPS के टीम के बंदे महाराष्ट्र के टीम के फिलहाल यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, बट यहाँ पे टीम नंबर 25 बूट कैम्प में यहाँ पे फिलहाल सरवाइव करते हुए दिखाई देंगे। टीम नंबर 8 की अगर बात करें तो यहाँ पे एक बंदा फिनिश हो चुके हैं, दो बंदे अभी भी सरवाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 22 के जो बंदे हैं वो फिलहाल यहाँ पे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, और फिलहाल और टीम नंबर 22 के जो बंदे हैं मिस्टर जार्ड जो हैं वो यहाँ पे टीम नंबर 22 के साइड से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 22 आई थिंक वो यहाँ पे लेट हो गए एंट्री करने में, और यहाँ पे जिस टाइम वो एंट्री किए थे उसी टाइम यहाँ पे स्टार्ट हो गया गेम। बिल्कुल भी बिल्कुल गंदा स्प्रे दिए थे टीम नंबर 22 के बंदे। टीम नंबर 8 के बंदे यहाँ पे बचते हुए उनके सामने से हंसते खेलते हुए कूदते हुए निकल गए और कवर में चले गए। टीम नंबर 8 के जो बंदे हैं हंटर आरके के साथ टीम नंबर 8 के बंदे का फाइट होने के बाद फिलहाल टीम नंबर 8 के एक बंदा यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मिस्टर जाट को तो दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ पे फिलहाल लास्ट टीम नंबर 8 के बंदे को लुड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो बंदा यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल उनके ऊपर स्प्रे लिया जा रहा है और रोक चुके हैं गाड़ी रोहन RJ34 को दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 8 के जो बंदे हैं कैपिटल के टीम के बंदे, महाराष्ट्र के टीम के बंदे हैं फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 2 के जो बंदे हैं 22 के जो बंदे हैं मिस्टर बिंद्रा के साइड से यहाँ पे टीम नंबर 8 के बंदे को फिनिश किया, और फिलहाल यहाँ पे टीम नंबर 22 आगे बढ़ेंगे जून के अंदर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फाइट हो चुका है, फाइट लग चुका है। टीम नंबर 13 के साइड से यहाँ पे फाइट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 13 के जो बंदे हैं वो फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 9 के जो बंदे हैं यहाँ पे एक बंदा डाउन है, फिलहाल दूसरा बंदा यहाँ पे उन बहुत दूर है। टीम नंबर 9 के जो बंदे हैं वो फिलहाल यहाँ पे टीपी भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 6 के बंदे वो जो उनके साइड रोटेशन डाल रहे हैं। टीम नंबर 25 के बंदे यहाँ पे फिलहाल टीम नंबर 22 को दिक्कत देने की कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पे टीम नंबर 15 के बंदे यहाँ पे मौजूद हैं। टीम नंबर 15 डेविल के टीम के बंदा यहाँ पे मौजूद थे। टीम नंबर 22 के साइड से भी थोड़ा सा कवर फायर आता हुआ दिखाई दे रहा है। फेनम यहाँ पे वो भी डाउन हो चुके हैं टीम नंबर 15 के बंदे के द्वारा फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 15 के बंदे अगर बात करें तो यहाँ पे डेविल के टीम के एक बंदा यहाँ पे सरवाइव कर रहे थे, बट मिस्टर एक्स मैक्स टॉक्सिक यहाँ पे फिनिश किया टीम नंबर 17 के बंदे का। तो फिलहाल यहाँ पर टीम नंबर 22 के बंदे को बात करेंगे तो टीम नंबर 22 के यहाँ पर बिंद्रा जो है वो यहाँ पर डाउन है। फिलहाल यहाँ
पे मिनी उनके ऊपर स्मोक डाले हैं और पीछे से कवर फायर आता हुआ मिस्टर जर्ट की दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर सिक्स की बात करें तो यहाँ पे यूट्यूबर राहुरी को दिखाई दे रहे हैं, तो फिलहाल वो एक ग्रेनेड फेंकते हुए सामने टीम नंबर थर्टीन के एक बंदा यहाँ पे डाउन है और पीछे यहाँ पे ओमेगा के टीम के साइड से फाइट लिया जा रहा है टीम नंबर थर्टीन और टीम नंबर सिक्स के बीच में। तो फिलहाल टीम नंबर थर्टीन के बंदे हैं ओमेगा गुजरात के टीम, और पीछे यहाँ पे टीम नंबर सिक्स को दिखाई दे रहे हैं टीम नंबर सिक्स के जो बंदे हैं डार्क के टीम महाराष्ट्र के टीम। फिलहाल यहाँ पे डार्क के टीम नंबर सिक्स डार्क के टीम और टीम नंबर थर्टीन ओमेगा के टीम के बीच में यहाँ पे फाइट होता हुआ दिखाई देंगे। साइड में टीम नंबर 22 है। फिलहाल मुझे देखना है कि क्या सिचुएशन रहेगा यहाँ पे। फिलहाल मिस्टर जर्ड जो है यहाँ पे टीम नंबर सिक्स के बंदे को डाउन किए हैं और फिनिश भी कर चुके हैं। मिस्टर जर्ड यहाँ पे फिलहाल 5 किल कर चुके हैं। टीम नंबर सिक्स के बंदे जो हैं वो फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो है सर्कल टच करने वाला है और देखना ये है कि क्या सिचुएशन होता है। टीम नंबर 22 के जो बंदे हैं टाइटन रेंजर्स वो अभी भी जोन के अंदर हैं। फिलहाल टीम नंबर सिक्स के बंदे को फिलहाल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सामने। टीम नंबर 13 के बंदे वो यहाँ पे फिलहाल इंसानी जो है टीम नंबर सिक्स के बहुत करीब है। टीम नंबर सिक्स के जो बंदा है वो तिला सरवाइव कर रहा था, बट टीम नंबर 22 के जो बंदे हैं उनके द्वारा यहाँ पे टीम नंबर सिक्स के बंदे को फिनिश किया गया है। दो टीम अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, टीम नंबर 13 ओमेगा के टीम के बंदे और यहाँ पे टीम नंबर 22 टाइटन एरिजर्स के टीम के बंदे। तो फिलहाल दो टीम के बीच में क्या फाइट रहेगा वहाँ पर देखेंगे। 3v3 का सिचुएसन बन चुका है। टीम नंबर 22 के जो बंदे हैं वो फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 22 के जो बंदे हैं बिंद्रा जो हैं वो यहाँ पे सरवाइव करते हुए टीपीपी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिस्टर जर्ट जो हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल लेटे हुए हैं, प्रोन डाउन बन चुके हैं। सामने टीम नंबर 13 जो बंदे हैं वो घर के अंदर हैं। मिनी की बात करें तो मिनी यहाँ पे एक किल कर चुके हैं और यहाँ पे टीम नंबर 13 के बंदे बिल्कुल रेडी हैं। टीम नंबर 22 के साइड से ग्रेनेड आता हुआ दिखाई दे रहे हैं, बट ग्रेनेड क्या ही फेंके हो, लाजवाब ग्रेनेड फेंके हो, और ऐसे ग्रेनेड अगर फेंकोगे तो बहुत आगे बढ़ोगे। टीम नंबर 22 के साइड से एक मोनोटॉप भी किया गया है, बट जहां पे फेंके हैं टीम नंबर 13 वहां पे मौजूद ही नहीं है, मतलब उस घर में मौजूद है, उस साइड में मौजूद नहीं है। मिस्टर जर्ड जो है यहाँ पे डेमन के द्वारा नॉक फिनिश हो चुके हैं। फिलहाल 3v2 का सिचुएशन हो चुका है, बट मिनी और बिंद्रा एक ही घर में फिलहाल सरवाइव करते हुए, बट मिनी घर के अंदर है और बिंद्रा घर के बाहर। तो फिलहाल टीम नंबर 22 के जो बंदे हैं वो फिलहाल यहाँ पे सेट क्या ही ग्रेनेड डाल रहे हैं, इंसानी आगे बढ़ते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। टीम नंबर 22 के जो बंदे हैं वो यहाँ पे डाउन है। मिनी यहाँ पे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, उनको फिनिश करके टीम नंबर 13 जो है विनर चिकन डिनर ले चुके हैं गुजरात के टीम के बंदे। फिलहाल गुजरात की टीम ओमेगा के टीम के बंदे विनर चिकन डिनर ले चुके हैं। उसी के साथ साथ हम भी बाय बाय बोलते हैं। लव यू, टेक केयर, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को।